हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट पे आप नए प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए हैं, इनसे आप क्या टारगेट करना चाहते हो और किस तरीके की कंपनी स्ट्रेटजी इस डायरेक्शन पे देख रही है? देखिए, हर कैटेगरी में हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से जो हम LUP बोलते हैं, जो लो यूनिट प्राइस पैक, जो छोटे वाले पैक हैं, इन्होंने कैटेगरीज को रेवोल्यूशनाइज किया है। जैसे सैशेज हो शैम्पूज में, डिटर्जेंट्स में, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में, क्योंकि ये प्लास्टिक्स के एक कैटेगरीज हैं, उनको छोटा करना मुश्किल है, तो हमारे इंजीनियर्स ने छोटे डिज़ाइन किए हैं ये प्रोडक्ट्स को, जो पुअर कंज्यूमर्स हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंज्यूमर्स हैं, दे कैन अफोर्ड टू पार्टिसिपेट इन दीज ग्रेट प्रोडक्ट्स दैट सो फार ओनली हाई इनकम कंज्यूमर्स कुड पार्टिसिपेट इन। लेकिन कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि लगभग इसी डायरेक्शन पे मार्केट मूव कर रहा है, अफोर्डेबिलिटी के डायरेक्शन पे, चीज़ों को कॉम्पैक्ट करने की दिशा में, आप उस कंपटीशन को कैसे पार पाना चाहेंगे? क्या आप पेटेंट जैसे कोई विकल्प पर विचार करना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो कंपटीशन है वो है इलीगल अगरबत्तियाँ, जो लोग जानते हैं कि थोड़ा हार्मफुल है, लेकिन क्योंकि वो अफोर्डेबल है, लोग ये इलीगल अगरबत्तियाँ यूज़ करती हैं। इसमें काफ़ी सारे डेंजरस केमिकल्स हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स को उसी प्राइस में ले आएं, तो लोग इलीगल अगरबत्तियों को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। और हम कंपटीशन को तो ये लोकल इलीगल अगरबत्तियां ही मानते हैं। और लोकल प्लेयर्स जो मार्केट में वोलेटिलिटी लाते हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, खासकर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, उससे किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, यही चुनौती है, जो लोकल प्लेयर्स हैं वो अनसेफ केमिकल्स ले आते हैं, वो उन्हें रजिस्टर नहीं करते हैं और अफोर्डेबल रहते हैं। तो हमारी सोच ये है कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल करें, तो इन लोकल कंपटीशन की हम टक्कर कर सकते हैं। वापस आपके प्रोडक्ट की हम बात करना चाहेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम मिनी में और मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट हम लेकर के आए हैं, किस तरीके का निवेश आपने किया है और आप अपना बेस क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप कितना अपने बेस को एक्सपेंड कर पाएंगे? देखिए, इन जो प्रोडक्ट्स का मैं है, 2-3 साल से हमारे जो R&D में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, इन पे ध्यान कर रहे हैं कि ऐसे कैसे ले आएं, एक कैसे एक बड़े वाले स्प्रे को छोटे कैन में ले आएं और दाम कम हो जाए, या कैसे एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को छोटा किया जाए। तो लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट गया है। अब जब हम लॉन्च करेंगे, हम चाहते हैं कि 400-500 मिलियन या 40-50 करोड़ इंडियंस अगरबत्ती और इलीगल प्रोडक्ट्स छोड़ के ये सेफ प्रोडक्ट्स अपनाएं और मलेरिया को एक बार के लिए हम हिंदुस्तान से दूर करें। ये बहुत बड़ा इशू है, आप इसको हल्के मत लें। राहुल और राजेश दोनों ये बात समझेंगे कि अगर आपने शाम को 6 बजे के बाद अपने घर की खिड़कियां बंद नहीं की, तो आप गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट की ये कॉमेंट्री याद जरूर रखेंगे, क्योंकि एक एक मच्छर आपके पीछे पड़ा रहेगा और आपको फोर्स करेगा कि आप जाके अगरबत्ती लेके आए या हिट लेके आए। मैं तो अगरबत्ती प्रेफर करता हूँ इनकी, लेकिन एनीवेज ये काफी बड़ा प्लेयर है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत हाँ, ये मजाक तो कर रहा था, लाइटली मत लीजिए, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं ये और इनकी इनकी प्रोडक्ट लॉन्चेस पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख देती हैं। सेतुपति वाज काइंड इनफ, बड़े आराम से समझा भी रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन स्टॉक में थोड़ा एक्शन कम है क्योंकि मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहे। कोई व्यू आपका कंज्यूमर स्टॉक्स में? ITC अभी चलिए आज नीचे आ गया सूटी के सेक्शन की बात पे, लेकिन HUL ITC ओवरऑल देखा जाए तो करंट है। गोदरेज कंज्यूमर भी ट्रेड है क्या अभी? राजेश आप बताएंगे। अजय जी, सेटअप तो इसका पॉजिटिव है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है एक रिकवरी ट्रैक पे ही स्टॉक का प्राइस बिहेवियर है। स्टॉक में छोटे फ्रेम पे भी देखे तो मंथली चार्ट में एक अप स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, नेक्स्ट इसका टारगेट पोजिशनली जो बन सकता है वो 1040-1050 की तरफ बनते हुए दिखेगा। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है तो हमें लगता है थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके काफी स्टडी लग रहे हैं, तो हमें लगता है बाय ही रखना चाहिए। 900 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1050 तक होंगे, लेकिन पोजिशनल टारगेट है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो मूवर है लेकिन आगे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर 939 के लेवल्स खरीदारी के मौके, राजेश जी कह रहे हैं। राहुल, आपकी तरफ भारतीय एयरटेल